नमस्कार प्रणाम, मैं खेसारी लाल यादव, आप सबका बेटा, आप सबका भाई, आपका चैनल चुके प्रणाम कर रहा हूँ। और मेरी लिट्टी चोखा मैंने इतनी खूबसूरत मूवी, क्योंकि आपको मिट्टी से जुड़ेगी वो, और बड़ी खूबसूरत मूवी बनी है, जिसके पराग पाटिल जी डायरेक्टर हैं, प्रदीप शर्मा जी प्रोड्यूसर हैं, और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर प्रवीण भैया हैं, जो कि 9 अप्रैल को रिलीज हो रही है। प्रणाम बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं मानसी। तो दोस्तों, खेसारी लाल यादव की मच अवेटेड मूवी लिट्टी चोखा अब रिलीज के लिए तैयार है, लेकिन फिल्म का प्रमोशनल जो सॉन्ग है वो अब शूट होना बाकी है। इस सॉन्ग में खेसारी लाल यादव के साथ पल्लवी सिंह नजर आने वाली हैं और दोनों इस गाने में जबरदस्त डांस करते हुए दिखने वाले हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा ने हमें बताया कि इस गाने के कंप्लीट हो जाने के बाद फिल्म को सेंसर के लिए भेजा जाएगा। फिल्म सेंसर के लिए जाने को तैयार है, बस इस गाने को ऐड करना है, जिसका खेसारी जी अभी शूटिंग कर रहे हैं, और एक नई डांसर को हमने इसमें यूज किया है। कहानी बिल्कुल वो गरीब गुरबा के साथ जो गांव में होता है, कर्ज दे दिया और उसके बाद उसको तरह तरह की प्रताड़नाएँ दे रही हैं, उसके खिलाफ एक युद्ध है जो कि खेसारी जी, काजल और ये लोग मिलके उसको समाप्त करते हैं। तो ये गरीब गुरबा की कहानी है, दलित की कहानी है, जिसके प्रताड़ना को और उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, ये बताया गया है। तो खेसारी ने बताया कि 9 अप्रैल को उनकी ये फिल्म रिलीज होने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो रिलीज की तारीख से एक दिन पहले लाइव आएंगे और अपने फैन से कुछ जरूरी बात करेंगे। दिल से प्रणाम, 9 अप्रैल को लिट्टी चोखा प्लीज देखना ना भूलिए। उससे एक दिन पहले मैं लाइव आऊंगा, आप सबसे बातें भी करूंगा, कुछ बातें भी बताऊंगा उस सिनेमा के भी बारे में और अपने बारे में भी। तो लव यू बिहार तक को देखते रहिए, और लिट्टी चोखा को और प्रवीण भैया को भी ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। 9 अप्रैल को देखना ना भूलिए लिट्टी चोखा। आपका बेटा खेसारी लाल यादव। इसके साथ ही खेसारी ने बिहार तक के लिए एक खास संदेश भी दिया है। और बिहार से और सिनेमा लाइन से जो भी खबर आपको सुनना है, तो बिहार तक एक न्यूज है जिसको आपके प्यार और आपके आशीर्वाद की जरूरत है। तो उसको इतना प्यार और आशीर्वाद दीजिए कि हर दुनिया की खबर में सबसे ऊपर रहे बिहार तक। तो आप भी खेसारी की ये बात सुनिए और बिहार और भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।